हेलो बच्चों, वेलकम टू भी किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस इन पटना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और ये हम लोग जो क्लास बात कर रहे हैं वे एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और ये चैनल अनमैच क्वालिटी है ओवर ऑल वर्ल्ड के अंदर। यदि आपको नहीं विश्वास हो तो आप कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए आज हम बात करें यानी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म, लेक्चर नंबर कितना होगा 6 बाय भी किशोर सर, मोबाइल नंबर 9955228884। ये क्लास हम किस व्यू से ले रहे हैं, वे है टारगेट, किसके लिए, जेई एंड नीट का बात किया जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास जो हम बात किए थे वे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो सबसे पहले आपको सिखाए थे जो जिस तरह से हम अपने डेली लाइफ में समझते हैं ये रोटी है, ये चावल है, ये अंकल है, उसी तरह से वाटर में अल्कीन को जोड़ना, अल्कीन को वाटर से जोड़ना एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। और वे जो घटना है वे H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, उसमें इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है, उसमें रीअरेंजमेंट का घटना होता है, उसमें मार्कोनी कॉफ का फॉलो होता है, इतना क्राइटेरिया उसका है। तो चलिए आप लोग समझे कि नहीं समझे इसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन ले लें, क्योंकि आप जानते हैं मेरा नेचर, जो हम बार बार प्रयास करते रहते हैं जो बच्चों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो H2O आप पहले प्रयास करें अपने से वीडियो को पॉज कर करके जो कितने टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके बाद आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए प्रयास कर लिए, मिला प्रोडक्ट, तो चलिए देखते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन लिख के रख लिए हैं ना, अब इसी पर हम प्रैक्टिस करते हैं। CH2H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो यहां पॉजिटिव, ये CH3, ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन है, तो ये 2 डिग्री का है, क्या रीअरेंजमेंट होगा, कतई नहीं, नो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन है। यदि यहां हम शिफ्ट करावें तो यहां भी डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए किसी टाइप से कोई रीअरेंजमेंट का घटना नहीं होगा। अब यहां पे H2O अटैक करेगा, जो आप समझ चुके हैं इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 5 में। यदि नहीं कोई लेक्चर नंबर 5 देखे हैं और अभी अभी आप फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 5 को देखें। तो इस तरह से ये ऐसा बनेगा, ये CH3 यहाँ से ये रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो CH3COOH, ये बन गया अल्कोहल। तो केवल ओनली ये क्या कहेंगे, ओनली केवल यही प्रोडक्ट बनेगा। और हमको लगता है जो बहुत सारे बच्चे 2-3 प्रोडक्ट तो जरूर बना लिए होंगे,
तो वे गलत है। तो गलत से कभी घबराए नहीं, गलत वही करता है जो इस दुनिया में प्रयास करता है, और जो इस दुनिया में प्रयास ही नहीं किया वो गलत क्या करेगा, वो तो सभी का सभी दिन डरते रहता है। यानी गलत वही करता है जो प्रयास करता है, और गलत करते करते एक दिन वे सही करने लगता है, इतना ही सोचे। इसीलिए गलती से कभी भी नहीं घबराना है। जैसे ही सवाल मिले और लगे यदि हम ये बना सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं, तो एकदम फटाफट आपको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक, तो आज हम लें एक अलग रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये दो इंडिपेंडेंट स्टेप एक रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। टू इंडिपेंडेंट स्टेप वन रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन लेकिन दो अलग अलग। एडिशन ऑफ अल्कीन विथ मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड मर्क्यूरेशन। मतलब अल्कीन में मर्क्यूरिक एसीटेट का ऐड होना किसके प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोल लीजिए। इन दिस केस प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज कार्बोकेटाइन। मतलब कार्बोकेटाइन जो बनता है वे ब्रिज बनता है, साइक्लिक बनता है एज इंटरमीडिएट। द एडक्ट ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड फार्मूला NaBH4 गिव अल्कोहल। दिस स्टेप इज नॉन एज डीमर्क्यूरेशन। मतलब सिंपली आप इतना ही समझें, जब मरकरी ऐड होगा तो उसको कह दिया गया होगा मर्क्यूरेशन, और यदि मरकरी रिमूव होगा तो उसको कह देंगे डीमर्क्यूरेशन। ठीक, तो सिंपली पहले हम इस बात को समझें। तो इसको समझेंगे कैसे, देखते रहिएगा ठीक से। जनरली आर CH2 पहला है मर्क्यूरिक एसीटेट, CH3CO होल ट्वाइस HG किसके प्रेजेंस में, तो वाटर के प्रेजेंस में, यही है मर्क्यूरिक एसीटेट, और ये वाटर के प्रेजेंस में। तो यहां पे ये जो है मर्करी इसमें ऐड होता है, ये जो पहला स्टेप है उसमें मर्करी ऐड होता है, तो HgO CO CH3 और यहाँ पे OH। ये जो आप देख रहे हैं मर्करी ऐड हुआ है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और अगेन जैसे ही इस पे क्या यूज किया जाए, तो NaBH4 क्या नाम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो उस सिचुएशन में ये बन जाता है ROCH3, ये बन गया अल्कोहल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये हट गया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ, वे पहला स्टेप मर्क्यूरेशन होगा, यानी ये जो डबल बॉन्ड होगा उसमें मर्करी ऐड होगा, और सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होगा।
कुछ केस में ये कहा जाता है जो यहाँ एक्वस NaOH भी होता है, ध्यान दीजिए, यानी किसी किसी बुक में कहा जाता है जो NaBH4 के साथ एक्वस NaOH होता है और बनता है अल्कोहल। यहाँ जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोल दीजिएगा, तो डीमर्क्यूरेशन। क्लियर हो गया बात, जो मर्करी को ऐड होना मर्क्यूरेशन और मर्करी को हटना डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे जो रिडक्शन, देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आप देख रहे हैं तो दो, और यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन हो गया तो तीन। इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ है और हाइड्रोजन ऐड होना तो रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार इस स्टेटमेंट को, एडिशन ऑफ अल्कीन विथ मर्क्यूरिक एसीटेट, यही ना मर्क्यूरिक एसीटेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में, इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इन दिस केस प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज कार्बोकैटायन। यहीं पे आगे हम मैकेनिज्म में आपको समझाने वाले हैं, ये ब्रिज कार्बोकैटायन बनेगा। द एडक्ट ऑन रिडक्शन विथ, ध्यान दीजिए ये जो बना यही बना एडक्ट, जुट गया है एडक्ट ऑन क्या, रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव अल्कोहल। दिस स्टेप इज नोन एज डीमर्क्यूरेशन। तो अब हम लोग मजे से मैकेनिज्म बात करेंगे। देखिए है क्या मैकेनिज्म से क्या है, आप वैरायटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इसमें क्या है जो डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा जो यही रहेगा। तो अब जो हम लोग आजकल जो मैकेनिज्म बात करते हैं उससे क्या होता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पहले मैकेनिज्म लेते हैं। तो चलें हम लोग अब इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म समझें। मैकेनिज्म का मतलब समझे हैं जो क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल पाथ, जैसे ही कहा जाए जो किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म है इसका मतलब हम क्या समझेंगे, एक हाइपोथेटिकल पाथ। मैकेनिज्म में एक तरीका अपनाया गया है और वे तरीका सिर्फ आपको याद रखना होगा, उस तरह के सिचुएशन को देख करके आपको समझ जाना होगा ऐसा होगा। जैसा कि आप देखे जो कल बादल आकाश में दिखाई पड़ा तो हम लोग समझ गए कि नहीं जो बस वर्षा होगा, आंधी तूफान आएगी। तो इसी तरह से मैकेनिज्म है बाबू, मैकेनिज्म और कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल पाथ भी है, बार बार आपको देखना होगा तब आपको मैकेनिज्म याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जो सबसे पहले ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट लिए थे ना, तो HgOCOCH3 ये क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट है। इसी को आप कह सकते हैं, देखिए HgOAC पता है, इसी को ऐसे कहा जाता है। हम जैसे ही इसको वाटर में प्लेस्ड करेंगे, ध्यान दीजिए ये वाटर में प्लेस्ड करेंगे तो यहां तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल, ये टूट जाता है, आयनिक कैरेक्टर वाला होता है, और टूट जाएगा तो क्या क्या बनेगा, HgOCOCH3 और दूसरा पार्ट O-COCH3। समझ रहे हैं बात को,
इस तरह से ये जो है मर्क्यूरिक एसीटेट को वाटर में प्लेस्ड करने के बाद हम लोग समझेंगे जो ऐसा टूट जाएगा। किसी भी रिएक्शन में यदि पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए तो ये रिएक्शन तो रिवर्सेबल होगा। किसी भी रिएक्शन में यदि प्रोडक्ट में केटाइन और एनाइन आ जाए तो ये रिएक्शन रिवर्सेबल होगा। तो ये सबसे पहला हम लोग ये समझे जो इस तरह से होता होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, देखते रहिए एकदम ध्यान से। स्टेप फर्स्ट में लोगों ने क्या सोचे जो किस तरह का फेनोमेनन हुआ होगा। तो RCH2 ये हम लोग लिए थे ना, और प्लस HgOCOCH3 इस तरह से होगा। ध्यान दीजिए, जहां कहीं भी पाई बॉन्ड हो और वे पाई बॉन्ड के कांटेक्ट में मरकरी आ जाए, कोई मेटल आ जाए, तो वे आसानी से टूट जाता है। पाई बॉन्ड को अपने तरफ पोलराइज कर लेता है और जैसे ही पोलराइज करेगा तो ये RCH2HgOCOCH3 ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जो जैसे ही यहां पे ये इसके कांटेक्ट, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जैसे ही इसका मूवमेंट होगा इधर तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो जो प्लस था वो तो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल होगा तो फिर यहां पे जो है ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस बना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है इसमें, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको दे सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये प्लस बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सिचुएशन आने के बाद इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इस तरह से बना। अब अगेन इलेक्ट्रॉन यहां दे सकता है, और जैसे ही देगा तो CH2 ऐसा HgOCOCH3 यहां पे इस मरकरी पे फिर प्लस आ गया, और यही बन गया साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये जो आप देख रहे हैं वे क्या है? साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो पहला स्टेप तक इतना हम लोग समझे, ठीक। अब जो हम लोग बात करेंगे वे स्टेप सेकंड का, जो सेकंड स्टेप में क्या हुआ होगा। लेकिन मेरे साथ मजबूरी है जो आपको हमको मिटाना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद फिर आगे नोट कीजिएगा, हमको तो मिटाना पड़ेगा, ठीक ना? तो चलिए मिटाते हैं। मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में बहुत ही सावधानी से सुनिए। एक बेनिफिट ये भी है जो आप इसको बार बार सुनेंगे तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि सारा का सारा बात लिखाना तो संभव है नहीं, है ना? तो चलिए अब देखते हैं ये सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखे। देखे जो इस तरह से CH2 ये HgOCOCH3 यहां इस तरह का साइन दे दिए थे, ऐसा बना था ना? और जैसे ही इस तरह का साइन है, इसका मतलब
यहां भी ये पॉजिटिव कैरेक्टर शो है और यहां भी पॉजिटिव कैरेक्टर। ध्यान से, यहां पहले पॉजिटिव बना और यहां मरकरी जैसे ही बनने जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। क्या समझे? इससे पहले न्यूट्रल बना करके दिखाए, अब जो है यहां पे फिर ये इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है इस प्लस को, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना। तो सेकेंड स्टेप में ये वाटर और ये वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये वाटर न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल है जो ये वाटर यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर यहां भी शो कर सकता है। जब मरकरी जो है इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है तो पॉजिटिव, तो इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है। तो अब सवाल है जो दोनों पॉजिटिव में किस पॉजिटिव का स्टेबिलिटी ज्यादा है, यह बात देखना होगा। तो हम जानते हैं जो यहां तो इसके नजदीक एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जब एक इलेक्ट्रॉन डोनर है प्लस आई ग्रुप है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इस पॉजिटिव का इसके अपेक्षा, इसलिए वाटर जो है यहां पे जाकर के अटैक कर दिया। समझे बात को? अब जैसे ही वाटर अटैक किया तो यहां पे ये आर सी एच ओ एच ऐसा बन जाएगा, सी एच टू एच जी ओ सी ओ सी एच थ्री ऐसा बन जाएगा। और क्या समझाए थे, जो जहां कहीं भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वहां से आसानी से H प्लस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अब ये H प्लस जो है रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही H प्लस रिमूव होगा तो ओ एच सी एच टू एच जी ओ सी एच थ्री इस तरह से बन गया। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने का पॉइंट है, जो ये जो एडिशन हुआ है ये कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। ये फ्रंट साइड से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है, तो ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा, और जब अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो या तो यहां या नहीं तो यहां। तो यहां इसलिए अटैक किया क्योंकि इस कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है वे ज्यादा होगा। तो इतने तक मरकरी ऐड हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाया, मर्क्यूरिशन। अगेन अब कौन सा स्टेप का बात करेंगे, तो थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम लोग आर ओ एच सी एच टू एच जी ओ ए सी, देखिए इतना को ही ना आपको सिखाए जो क्या कहा जाता है, ओ ए सी। तो ओ ए सी अब एन ए बी एच फोर सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसे ही यूज करेंगे तो ये ओ एच सी एच टू एच बन जाएगा है। और अगेन ये जो मरकरी है वे तो रिलीज हो जाएगा, मरकरी वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल मिल गया। तो कितने स्टेप का ये रिएक्शन हो गया बाबू, तीन स्टेप का रिएक्शन। अब तीनों स्टेप मेरे पास तो दो ही स्टेप बचा, एक स्टेप तो हम हटा दिए, आप तीनों स्टेप को सिलसिलेवार ढंग से देख लें। तो इसमें क्या क्या देखने को मिला, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं फाइनली हाइड्रोजन वहां ऐड हो रहा है जहां हाइड्रोजन अधिक है, और OH यानी न्यूक्लियोफाइल वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये मार्कोनी कॉफ रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन ऑफ ए मार्कोनी कॉफ रूल, पहला पॉइंट। दूसरा,
इसमें कोई स्पष्ट कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी ये जो कार्बोनियम आयन है वे क्लियर कट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार से कार्बोनियम आयन का रिअरेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान दें, इसमें किसी प्रकार से कोई कार्बोनियम आयन का रिअरेंजमेंट नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट, ये एच और ओ एच एक दूसरे से हमेशा अपोजिट ऐड हुआ है, इसीलिए ये एक टाइप का एंटी एडिशन है। क्लियर हो गया? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इस तीनों पॉइंट को हम एक्सप्रेस कर दे रहे हैं जो क्या क्या घटना होता है और मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन में। तो इन दिस रिएक्शन फॉलोइंग पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा रिएक्शन? ऑक्जी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में पहला ओवे मार्कोनी कॉफ्स रूम, दूसरा नो कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंस है, नो कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट, और तीसरा एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। एक और पॉइंट, साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट, साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट। एक पॉइंट और पॉइंट, ये जो न्यूक्लियोफाइल जैसा कि इसमें हम वाटर लेते हैं, वे अटैक उस कार्बन पे करेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन है। तो न्यूक्लियोफाइल लाइक क्या, H2O अटैक ऑन दैट कार्बन विच है मोर कार्बो केटाइनिक प्रॉपर्टीज। तो इतना हम लोगों को ऑक्जी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन में याद रखना है, समझ गए बात को? तो चलिए इसको पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इसी पर हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करते हैं, यदि प्रैक्टिस के दौरान आपको बन जाए तो समझिए जो सीख गए। सबसे इंपॉर्टेंस क्या सिखाए, जो कौन सा घटना, नो कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट, क्यों? क्योंकि स्पष्ट इसमें कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करें आप लोगों के साथ, पहले आप लोग अपने से प्रोडक्ट बनाइए। मर्क्यूरिक एसीटेट OAC H2O फर्स्ट सिचुएशन में और सेकंड में NaBH4। ध्यान दीजिए एक बार, और जैसे ही डबल बॉन्ड देखेंगे तो हाइड्रोजन को वहां जोड़ दीजिए जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो इस कार्बन से देखिए तो कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये जो कार्बन है 1, 2, 3, 4 कोई हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहां हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट में यहां CH3 ये यदि H यहां दिए तो फॉर्मेलिटी के तौर पे OH इधर दिखाना होगा, क्यों? क्योंकि ये एक टाइप का क्या है, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है। क्लियर है बात? ठीक, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन लीजिए, इस बार आप लोगों को अपने से बन जाना चाहिए, वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, बना के देखिए। CH3CO2HG मर्क्यूरिक एसीटेट और H2O सेकेंड सिचुएशन में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 बन जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाइए। ठीक, चलिए अब देखिए, तो
CH3 CH3। यदि यहाँ हम H इधर जोड़ते हैं तो OH इधर जोड़ा जाएगा। अब उम्मीद है जो अब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो इसमें तो बन जाना चाहिए। एक और ले लेते हैं। सेम यही बनाइए, पहले आप लोग अपने से बना लिए। तो यहां OH जोड़ दीजिए तो ये बन गया CH3। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, कर रहे हैं। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट सवाल ले लें, थोड़ा सा अलग हटके लें, जो आप लोग कुछ समझे अभी तक ही नहीं समझे। एक अलग सवाल लें, इस बार देखते हैं जो कौन बच्चा बना पाएगा। जो बना पाएगा उसको कुछ मिलेगा। जो लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे वे बोल रहे होंगे मने मन, जो सर जी क्या दीजिएगा, क्या करें, हम लोगों का भगवान अभी दूर रखे हुए हैं। चलिए देखिए, मना कर देखिए पहले आप लोग अपने से, ट्राई करिए। चलिए अब हम देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यदि इस तरह का है तो यहां CH3COHG ये प्लस किसी न किसी कार्बन से अटैच हुआ होगा, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। और जैसे ही ये HG अटैच हुआ, इस तरह से बना होगा, तो यहां पे इस दोनों इस कार्बन से यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, यही ना मैकेनिज्म समझाए। अब देखिए क्या हुआ होगा, यहां तो CH3OH है, ये वैसा ही न्यूक्लियोफाइल है जैसा कि वाटर है, जैसा कि वाटर है। तो अब ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, इस साइड से इधर भी कर सकता है। और जैसे ही अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो ये HG OAC, ध्यान दीजिए कहीं लिख देते हैं OAC, ये रहा OH CH3 यहां प्लस, अब यहां से रिलीज होगा। और जैसे ही रिलीज होगा तो इस तरह से HG OAC और OCH3 अगेन NaBH4 ये रिडक्शन का काम करेगा। और जब रिडक्शन कराएगा तो यहाँ H आ गया, यहाँ OCH3 आ गया, मतलब क्या बन गया, ये इथर, ये बन गया इथर। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से जैसा वाटर यूज कर रहे थे, अब वाटर न दे करके अल्कोहल दिए, और अल्कोहल से हमको क्या बेनिफिट हो गया, तो हम समझ गए जो अल्कोहल जैसे ही यूज करेंगे तो अल्कोहल तो जस्ट लाइक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। समझ गए बात को? ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। मैकेनिज्म से यही हम लोगों को क्लियर हो जाता है। और
दो बार तीन बार पहले मैकेनिज्म को देखें, सुने जो क्या क्या बात सुनाया है उसमें, जैसे सुनने पर जोर दें, देखिए आपको रिएक्शन फटाफट बनने लगेगा। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन यदि आपसे बन जाता है तो शायद समझेंगे जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। ये क्वेश्चन और उससे ज्यादा टफ है, ये पहले से ज्यादा टफ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन में CH3 CO होल ट्वाइस HG H2O, और सेकेंड सिचुएशन में NaBH4 वाट। बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए तो और पहले ट्राई कीजिए तो देखिए तो बनता है कि नहीं बनता है। यदि बन जाए तो समझिए आप ऑर्गेनिक में कुछ जान गए, कुछ कॉन्फिडेंस है, और नहीं बने तो घबराना नहीं है। और खास के ये नहीं सोचना है जो हम कम जानते हैं, लेकिन प्रयास करना है, सुनना है, समझना है। चलिए देखिए, ध्यान से देखते रहिए, कुछ आपसे गलतियां हुआ होगा, उस गलतियों को जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। इतना बात समझ गया जो मरकरी के कारण यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बात तो क्लियर हो गया। और जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये टूटेगा कैसे देखते रहिए, क्योंकि पूरे कहानी दिखाने लगेंगे तो फिर उसमें दिक्कत है। CH2 ये ऐसा देखिए तो होगा, यही बात ना हम सिखाया अभी आपको, ओ CH3 यही बात ना सिखाया, इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। अब इसके बाद आप क्या किए होंगे, इसके बाद आप क्या किए होंगे, वाटर अटैक करा दिए, यहां पे वाटर अटैक करा दिए, गलत गलत। क्यों गलत, सपोज कीजिए जो आप को ऑक्सीजन का जरूरत है और आपके बॉडी में एक वैसा प्लांट जनरेट हो गया ऊपर वाले की कृपा से जो ऑक्सीजन इल्यूमिनेट हो रहा है बॉडी में, बॉडी में ध्यान दीजिए आपको ऑक्सीजन का जरूरत है और बॉडी में एक ऐसा प्लांट क्रिएट हो गया जो ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। मेरे दोस्त का भी ऑक्सीजन जरूरत है लेकिन उसके बॉडी में वो प्लांट डेवलप नहीं हुआ, बताइए आप अपना सांस लेना छोड़ करके दोस्त को दीजिएगा कि पहले अपने लीजिएगा, श्योर आप पहले अपने लीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये वाटर न्यूक्लियोफाइल है और ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो अपने ही बॉडी का है, इसीलिए पहले यही अटैक करेगा, ये अटैक कराना गलत है, समझे बात। ये जो घटना हो गया इंटरमोलिकुलर और ये जो रिएक्शन हुआ इंट्रामोलिकुलर, ये हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा रिएक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। और यहां जब ये बात सोचेंगे तो इसको कहा गया है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ध्यान दें, हमेशा इंट्रा का जो रेट होगा वे फास्ट होगा किसके अपेक्षा, इंटर के अपेक्षा। ये एक ही सिस्टम के अंदर है, ये दूसरा कोई जुट रहा है और दूसरा कोई जुट रहा है तो उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा, इसलिए ये काट दिए। यानी अब क्या होगा इसमें बाबू, तो CO CH2 CH, यहां से ये जुटा, ये H, ये प्लस, ये CH2 HG O CH3, ऐसा है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, NaBH4, और जैसे ही NaBH4 यूज करेंगे तो ये O CH2
CH3। समझ गए, इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये रिलीज होगा ना, फिर ये भी NaBH4 यूज कर दिए तो ये तो रिलीज हो गया होगा। समझ गया बात को, उम्मीद है जो इस बार आप समझ गए होंगे। क्लियर है, तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन देख रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। समझ गया, ये इंट्रामोलिकुलर, लिख लीजिए आप लोग, इन रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए, मैं कोई भी पार्ट पढ़ाऊं चाहे फिजिकल, हाँ आप लोगों को आज फिजिकल होता, लेकिन जब तक मैं एग्जांपल खत्म ना कर लूं तब तक मैं फिजिकल फिर रोक दिया हूं, क्योंकि एग्जांपल जरूरी है और ऑर्गेनिक कमांड हो गया, समझिए फिजिकल भी कमांड हो जाएगा। फिजिकल इजी पड़ जाता है लेकिन ऑर्गेनिक उससे डिफिकल्ट पड़ता है, ऑर्गेनिक में रटना पड़ता है इसलिए। ठीक, तो चलिए CH2 यदि फर्स्ट सिचुएशन में CH3CO होल ट्वाइस HG लें और H2O यूज कर दें, तो सेकंड सिचुएशन में NaBH4 लें, बन जाएगा प्रोडक्ट। देखिए, पहले अपने से बनाइए CH3COH2HG और NH3 ले लें, और सेकेंड सिचुएशन में NaBH4 ले लें, अगेन H2O और H2SO4 ले लें। तो देख लीजिए बना करके जो क्या होगा। तो इस केस में रहने दीजिए इसी पर, तो CH3OH CH3, लेकिन इस केस में CH3NH2CH3 न्यूक्लियोफाइल, और इस केस में CH3OH CH3। तो इस तरह से ये हम लोग पिछले क्लास देखे थे और ये कॉन्सेप्ट आज देखे। एक और ले लेते हैं हम लोग, ये CH3CO होल ट्वाइस CH3OH और सेकेंड सिचुएशन में NaBH4, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट इस बार कि नहीं बनेगा। तो CH3O CH3 और CH3। तो इस तरह से आज आपको हम फिनिश्ड कर दिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आपने इस वीडियो को इतने पेशेंस से यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड, ईश्वर, अल्लाह आपको ऐसा शक्ति प्रदान करें जो आप इस जीवन में कुछ सफलता की ओर बढ़ें, सफलता अच्छे से अच्छे मुकाम प्राप्त करें।